आज यहाँ पे कैसे आए आप लोग? बस आपको देखा और मुझे धर लिया तुमने। हमारी राखी जी किधर है? बस वही मुद्दा था। क्या मुद्दा? क्या था? यही मुद्दा भाई, थोड़ा इधर राखी जी तो उधर गई ना, आ गई कल रात उमरा करने, गई है ना कल रात को, आ गई कल आ गई है राखी जी। तो अच्छा। क्या कहना चाहोगे उमरा करके आई है? बस अभी मुबारकबाद दूंगा, मैं भी विश करूंगा उनको, अच्छे से जाके आ गए वो और हमारे लिए दुआ किया कि नहीं किया पूछूंगा मैं, कि मेरा नाम लेके दुआ किया कि नहीं किया। अच्छा, आपने पहले भी राखी के साथ काम किया हुआ है तो काफी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है राखी के ऊपर, क्या कहना चाहोगे उस बारे में? आदिल, राजश्री, शर्लिन। यार कंट्रोवर्सी ना चले किसी की भी जिंदगी में, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी होती है किसी की भी जहन को बहुत ख़राब कर देती है और बहुत डिस्टर्ब कर देती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं वो बिना कंट्रोवर्सी के काम करें, उनकी लाइफ में बहुत सुकून हो, काम करते वक्त बहुत शांति हो। तो ये सब कंट्रोवर्सी होती है, सबसे बहुत दिमाग पर असर होता है और काम करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि राखी हो या जो भी हो, उनके जितने भी साथ के लोग हैं, सभी लोग शांतिपूर्वक लाइफ में काम करें, आगे बढ़े। कंट्रोवर्सी से तो किसी को कुछ मिलता है नहीं, तो बस अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे यू नो अपने जो भी गाने कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा करें और इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़े, फैमिली को आगे बढ़ाएं और उससे बढ़कर क्या चाहिए। अच्छा, दोनों के बीच में, आदिल और राखी के केस के बीच में आपको सही क्या लग रहा है, किसका पक्ष सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है? मैं सलमान सर के साथ में कम से कम आज 15 साल अप्रॉक्स होने आया है और मैं बहुत प्रोफेशनल होने को बिलीव करता हूँ, बहुत ही अपने काम, सिर्फ काम से काम रखने में विश्वास रखता हूँ। और मैंने हमेशा से जब भी सर के साथ भी काम किया है तो मैंने हमेशा अपने काम को आगे रख कर काम किया है। तो मैं कभी भी किसी के घर में क्या चल रहा है और इनके आपस में क्या मसले चल रहे हैं, देखिए आप एक बात बताइए, इंडस्ट्री के अलावा अगर आपके किसी पहचान वाले के घर में अगर ऐसा कोई मसला हो रहा होगा मियाँ बीवी का, तो आप जाहिर सी बात है आप भी उनके जाती ज़िंदगी में पूछना नहीं चाहोगे। आपको जब भी आपका दोस्त मिलेगा या आपकी फ्रेंड मिलेगी तो आप बोलोगे चलो चाय पीने चलो या नाश्ता करने चलो या और क्या चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, ये पूछोगे। आप ये नहीं बोलोगे अरे तुम्हारा कुछ पता चला मेरे को, तुम्हारा कंट्रोवर्सी मालूम पड़ी या तुम्हारे आपस में कुछ, तुम्हारे घर से झगड़ा करने की आवाज़ आ रही थी, आप ये नहीं पूछोगे। तो उस तरीके से सोशल मीडिया पर भी चल रहा है ना, देखो ये मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं बहुत काम करने में बिलीव करता हूँ। देखो मेरी आंखें काली काली हो गई, सोता नहीं हूँ मैं, बहुत कम सोता हूँ क्योंकि अच्छा राखी के साथ काम किया तो उसका नेचर बिहेवियर किस तरीके का लगा, क्योंकि काफ़ी एलिगेशन लगे कि राखी का नेचर अच्छा नहीं है या फिर उनका बिहेवियर सही नहीं है पैसों के मामले में भी। और लाइक आई डोंट बिलीव दैट, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो समझता हूँ, जितना राखी को जानता हूँ मैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुँहफट बोलते ना मुँहफट, तो मुँहफट होना मुझे लगता है अच्छा है आज के ज़माने में, अगर आप झूठे हो इससे बेटर है मुँहफट रहो। तो आई थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शी इज़ वेरी, जो भी बोलती है दिल से बोलती है। और बाकी मैंने ज़ाती में जितना भी काम किया राखी के साथ, जो भी मैंने गाने किए हैं उनके, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उसने मुझे कुछ ऐसी बात बोली हो जो मुझे सही नहीं लगी हो। शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी जेन्युइन एंड हार्ड वर्किंग फॉर हर वर्क, सो आई फील शी इज़ एन आर्टिस्ट एंड उसको थोड़ा सा सब लोग सभी को सपोर्ट करें और थोड़ा कंट्रोवर्सी से सब लोग दूर ही रहे तो बेटर है। तो मैंने कभी ना राखी को ऐसा मैंने नहीं देखा कि उसने मुझे कोई ऐसी बात बोली हो जो मुझे अच्छी नहीं लगी हो। तो आई फील बस ऊपर वाला सभी का सॉल्व कर दे, राखी का भी सॉल्व कर दे, आदिल का भी सॉल्व हो जाए और सभी यू नो प्यार मोहब्बत से सब ठीक हो जाए, क्योंकि प्यार मोहब्बत से शुरू हुआ था तो प्यार मोहब्बत तक ख़त्म हो जाए। सो एक और कहा जा रहा है, एक और बात माने आ रही है कि सामने आ रही है, उमरा करने के लिए आपका टोटली नेम और आइडेंटिटी इस्लामिक धर्म में होनी चाहिए। हाँ। लेकिन राखी सावंत का नाम अभी भी राखी है। हाँ। ऐसा कहा जा रहा है कि पासपोर्ट पे अभी तक चेंज नहीं हुआ है, उनका नाम फातिमा कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो उस वजह से उमरा कैसे करने जा सकते हैं? देखिए मैंने तो पासपोर्ट देखा नहीं है, शायद आपने भी नहीं देखा होगा, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि फॉरेन कंट्री जब हम जाते हैं तो एक एयरपोर्ट पे तो आपको ये नहीं पूछा जाता है कि आप नहीं उमरा के लिए अलग वीज़ा लगता है ना, उमरा वीज़ा लगता है? नहीं, मैंने भी अलहमदुल्ला उमरा किया हुआ है, उमरा के लिए कोई अलग वीज़ा नहीं लगता है, कोई एक अलग से आपको कोई वीज़ा लगने की कोई वो नहीं है, उसके लिए बस आपको उस कंट्री में जाना पड़ेगा। आप उस कंट्री में, जैसे मैं अगर इंडिया में आया हूँ तो मुझे मुंबई में आया तो दिल्ली का वीज़ा नहीं लगेगा मेरे लिए, आप समझे? तो ये ऐसा है। तो हमको भी मौका मिला था 2 साल पहले, हम सलमान सर के शो में गए थे तो वहाँ से मैं और मेरी टीम हम उमरा के लिए चले गए, तो कोई वीज़ा नहीं लगा हमारे लिए, तो देयर इज नो नथिंग कॉल्ड वीज़ा। बट या ऑब्वियसली देर आर टिकट्स एंड देर आर सम ऑल दैट थिंग, जो कि आप उस शहर में जा रहे हो तो उस शहर के लिए आपको ट्रांसपोर्ट तो लगेगा, तो
ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट में अगर आप मेट्रो में जा रहे हो या बुलेट ट्रेन में जा रहे हो, जिसमें भी जा रहे हो, तो टिकट निकालना होगा। बट आपको कहीं पूछा नहीं जाता है ऐसे कि तुम कौन से धर्म के हो या क्या हो। बट ऑब्वियसली जब पासपोर्ट पे हम किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको कोई नहीं पूछता है कि आप क्या धर्म के हो क्या हो। तो एक कंट्री में जाने के लिए वीज़ा उस कंट्री के लिए एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, या आप समझ लीजिए। देखिए हज का मुझे नहीं मालूम, हज का शायद अलग होगा, बट उमरा के लिए बहुत सारे मेरे दोस्त भी जाते रहते हैं, तो वो आई थिंक उसने करवाया होगा, ऐसे तो नहीं जा सकते, उसने करवाया होगा, उसने सारा नाम क्या बोलते हैं उसको, नामकरण बोलते हैं, नाम चेंज किया होगा, फातिमा किया होगा शायद। ओके, अच्छा, राखी का एक और एलिगेशन था कि आदिल, राशि और शर्लिन मिलके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिए थे, हैक करवा दिए थे, लेकिन हाल ही में राखी ने कहा कि वो 8 घंटे में भी आ गया था, 8 से 12 घंटे के बीच में उनका इंस्टाग्राम भी आ गया था। कहा यह भी जा रहा था राखी ने खुद ने डिलीट किया था और खुद ने ही डिसेबल करके खुद ही अनेबल कर लिया था, क्योंकि राखी पहले भी ऐसा कर चुकी है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यार इंस्टाग्राम क्या है, मतलब मैं तो इतना इंस्टाग्राम एक टाइम पास ही एक तरह से लोगों का है। नहीं, राखी ने कंप्लेन किया था क्योंकि इन तीनों के ऊपर पुलिस स्टेशन में। सोशल मीडिया एक ऐप की तरह है ना, एक ऐप है, एक ऐप किसी ने क्या किया आई डोंट नो, मतलब मैं इंस्टा पे मैं इतना, मेरी इंस्टा की वजह से मेरी रोजी रोटी नहीं चल रही कुछ, तो मुझे नहीं पता। बट ऑब्वियसली एक है, लोग फैंस फॉलोइंग्स है, लोग देखते हैं इंस्टा पे अपने सारे जितने भी चाहने वाले हैं आपके काम को देखते हैं, बट इतनी डिटेलिंग मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में, इंस्टा के बारे में। तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हो, राखी का या आदिल का? मैं किसी का सपोर्ट, सबका सपोर्ट कर रहा हूँ यार, मैं किसी को कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ और मैं ना कभी बोलूँगा, इंशाल्लाह सबका अच्छा हो। मैं डरता भी नहीं हूँ किसी से और मैं किसी को बुरा भी नहीं बोलता हूँ, अलहमदिल्ला सबके साथ अच्छा हो और सभी सही हो जाए और आप लोग अच्छी खबरें लें, ताकि किसी के बारे में पूछें कि किसके बारे में क्या चल रहा है, किसके बारे में क्या। इससे अच्छा आप ये पूछें कि भाई अभी कौन सा काम आने वाला है, आप यही बता दीजिए क्या काम आने वाला अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट। फिल्म्स कर रहा हूँ अभी मैं, LSD 2 कर रहा हूँ। ओके, दिवाकर बैनर्जी इज द डायरेक्टर, उनकी फिल्म कर रहा हूँ, LSD आई थी। उर्फी जावेद भी नहीं, मैं अभी फिलहाल तो आई डोंट नो, बट मैंने किसी और आर्टिस्ट के साथ उसमें गाना किया है। ओके, थैंक यू।